सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को करेगा जागरूक। मुंबई 29 अगस्त रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकिंग और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में युवाओं को जागरूक कराने के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों का व्यापक तौर पर इस्तेमाल करेगा। आरबीआई की बृहस्पतियों को जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है। उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए दो बड़े उपायों की घोषणा करेगी सरकार। गुवाहाटी 29 अगस्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बृहस्पतिवार को कहा, सरकार आगामी दिनों में उद्योग को प्रोत्साहन के लिए दो बड़े कदमों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि उपभोग को बढ़ाने की जरूरत है। एयर इंडिया को खरीदने में लोगों की काफी दिलचस्पी, दुनिया भर से आ रहे फोन। विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि लोगों की एयर इंडिया के अधिग्रहण में काफी रुचि है और उनके पास इसके संबंध में जानकारी लेने के लिए दुनिया भर से फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एयरलाइन का पूरी तरह निजीकरण होना चाहिए और हमें कम से कम समय में इसका सबसे बेहतर सौदा करना चाहिए। एनसीएलटी का रियल्टी कंपनी 3C प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का निर्देश। नई दिल्ली 29 अगस्त राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने एनसीआर की रियल्टी कंपनी 3C प्रोजेक्ट्स लिंक के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एनसीएलटी ने कर्ज बोझ तले दबी कंपनी का प्रतिबंध देखने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।